वेलकम टू ब्रेन वाइज। तो इस वीडियो में देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास निकालने के लिए आप लोग को अगर इवन रहेगा और ऑड, इवन रहेगा तो 2z करिएगा और इवन रहेगा 2z+1। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लोगों को कार्बन है, कार्बन निकालना है तो बस इसमें 6 पुट कर दीजिएगा, आप लोग का 12 आ जाएगा एटॉमिक मास। मान लीजिए फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है। तो अगर आप लोग इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा एटॉमिक मास फ्लोरीन का। तो आप लोग को ऐसे करना है, ये 1 से 20 तक के लिए है। उसका एक्सेप्शन भी है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 रहेगा, बेरिलियम का, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम और आर्गन हो गया और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास रहता है 14, आर्गन का रहता है 40 और बेरिलियम का होता है 9। तो ये आप लोग को याद रखना, बाकी आप लोग 1 से 20 तक कोई भी एटॉमिक नंबर का निकाल सकते हैं, नंबर से निकाल सकते हैं एटॉमिक मास। तो अब चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास का 12 होता है और हम लोग को 12 एटम भी दिया हुआ है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हम लोग को 22 एटम दिया हुआ है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है ना ऑक्सीजन का, तो 11। अब ये आ जाएगा, 144 प्लस 22 और ये आ जाएगा 176। तो ये आप लोग का हो जाएगा, 320 + 322, ये आ जाएगा 342 U। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज ये है। सब्सक्राइब करिए अगले वीडियो के लिए।